सुंबुल तौकीर खान को मिल चुका है एक बड़ा ऑफर। आखिर क्या है ये ऑफर और किस डेली सोप में सुंबुल जो है एंट्री लेने वाली हैं और क्या क्या करने वाली हैं इसके बाद, और इस चीज़ पर तो मतलब क्या सुंबुल तौकीर खान सच में इस डेली सोप में काम करने वाली है, क्योंकि ये शो जो है मतलब इंडिया का भाई टॉप 5 रनिंग शोज के अंडर आता है इस समय। तो क्या कहना है सुंबुल का इस बारे में और क्या कह रही है जनता, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदे। सुंबुल तौकीर खान जो इस समय अपना फैंडम पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है भाई, जिस तरीके से सुंबुल का बिग बॉस सीजन में गेम था तो लोगों ने एक अनुमान लगा लिया था कि यार अगर घर में से सबसे पहले कोई आउट होगा ना तो सुंबुल तौकीर खान होंगे, लेकिन सुंबुल जो है वो टॉप 7 में आके आउट हुई है। ये इनका ये दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने गेम को शिफ्ट किया, चेंजेस किए खुद के गेम में और खुद को कितनी बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश की। जैसे अगर आप पहले सुंबुल जब बिग बॉस के घर में आई थी तो इनिशियली उनको एक टैग दे दिया गया था क्राई बेबी का, क्योंकि और उनको हमेशा यही चीज़ लोग सब बोल रहे थे कि यार आप बिग बॉस के घर में सिर्फ रोने के लिए आए हो, आपका कोई गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा है, आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक मोमेंट ऐसा जब सुंबुल के पापा ने आके उनको समझाया कि क्या उनके गेम में उनसे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, और एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर सुंबुल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में उमड़ चुकी हैं, अपना गेम उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है। तो ये जो सुंबुल थे अभी हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो शेयर की थी जिसमें वही था कि मतलब किस तरीके से उन्हें सीरियस से वो मतलब सीरियसनेस से वो स्माइल वाले मोमेंट्स तक आना, और जिस भी तरीके से मतलब उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया उसमें कभी उनको टोक दिया गया, कभी उनको सुना ही नहीं गया, कभी उनकी बातें अनसुनी कर दी गई। तो इन सारी चीज़ों पर बात करते करते ना सुंबुल ने बहुत सारी बातें रिप्लाई की है अभी हाल ही में, और ऑफर्स तो सुंबुल को बहुत आया। सुंबुल ने खुद इस चीज़ को कन्फर्म किया था जब बिग बॉस के फिनाले से एक दिन पहले वो लाइव आई थी। सुंबुल ने खुद ये बात बोली थी कि बहुत सारे ऑफर्स आके पड़े हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ, अभी जस्ट बिग बॉस की घर से आई हूँ, बहुत चोक्ड अप हूँ एकदम से, तो थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ, उसके बाद फिर शुरू करेंगे काम दोबारा से। तो हाल ही में आपको बता दें कि एक डेली सोप है जो इंडिया के टॉप 5 रनिंग शोज में से एक है, कुंडली भाग्य, वो शो अब एक पोस्ट लीप पे जा रहा है। तो रिपोर्ट्स की माने तो सुंबुल तौकीर खान को जो है ये किया गया, मतलब सुंबुल तौकीर खान को इस चीज़ के लिए लिया जाने की लेने की बात चल रही है, साइन करने की बात चल रही है, उनको अप्रोच किया गया है, लेकिन अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि सुंबुल इस शो को करने वाली है नहीं, क्योंकि शो जो है वो 5 ईयर का लीप लेने वाला है जिसमें मेल लीड जो है धीरज धूपर एग्जिट ले रहे हैं और शक्ति अरोड़ा जो है वो इस रोल के लिए आने वाले हैं, अर्जुन जो है। और आपको बता दें कि अभी तक सुंबुल ने इस चीज़ पर सुंबुल को इस चीज़ बोला गया, बात की गई है सुंबुल से इस चीज़ के बारे में, सुंबुल ने अभी तक इस चीज़ पर कोई कन्फर्मेशन दिया नहीं है, कोई रिप्लाई दिया नहीं है, क्योंकि सुंबुल इसके पहले इमली एक रियलिटी इमली जो डेली सोप था उनका वो भी बहुत अच्छा चला, उसमें उनको देखा जा चुका है और उनकी एक्टिंग की तो खुद एकता कपूर ने भी सराहना की और सब ने की है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।